Assalamu alaikum and hello everybody, welcome back to another boring vlog of mine. Umeed hai aap log bilkul khairiyat ke saath honge. Welcome, welcome, welcome. मैंने बड़ी ही कोशिश की, बड़ा अपने आप को जमा किया कि मैं किसी तरह पराठा बना लूं, लेकिन पता नहीं दिन ही नहीं चाहा. फिर मैंने सोचा कि यार घर में कहीं फ्रोज़न पराठा कहीं दबा हुआ एक मिल जाए, वो भी नहीं था. ब्रेड देखी तो ब्रेड सिर्फ ये आखिरी पीस बचा था, और शोरबा जो है वो रात के सालन का सिर्फ शोरबा बचा था. मैंने ऐसी गोश्त का जो है वो शोरबा बना लिया था, तो उसका जो है वो बस ये चीज़ बची थी और ये मासूम सी ब्रेड थी. मैंने कहा चलो यही नाश्ता कर लेते हैं, अभी मूड नहीं हो रहा नाश्ता जो है वो बनाने का. और अब मैं आराम और रिलैक्स जो है वो बैठ के एक आध कोई या तो नेटफ्लिक्स या कोई ड्रामा, भी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या देखूँगी, वो देखूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे आज करनी है गार्डन की सफाई. बहुत दिन हो गए हैं, ग्रास बहुत बड़ी हुई है, मुझे वो काम करना है. तो नाश्ता करके वो काम करूँगी. सोचा मैंने ये था कि थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर लूँ, लेकिन हाय रे सुस्ती. अकेले जो है वो मेरा ख्याल में नहीं बनाया जाता, अभी बच्चे घर पे होते तो जो है वो फ़ौरन मैं खड़ी होकर पराठा बना लेती. खैर फिर मिलती हूँ. तो ये इस वक्त मेरा गार्डन है. थैंक्स टू यूके की धूप, इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा गर्मी और धूप पड़ी है, इसलिए ग्रास जल गई, और जलने के बाद अब ये दोबारा रीग्रो हो रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है. अगर आपके घर में सेब का दरख्त है तो ये कुछ आपके गार्डन का हाल होता होगा. मुझे जो है वो ग्रास कटिंग से पहले ये पहले सेब उठा के सब सफाई करनी पड़ेगी, वरना जो है ना वो सब मशीन के अंदर आएगी. और अब मैं अपनी मशीन स्टार्ट करने वाली हूँ. और पीछे जो है वो पाकिस्तानी गाने चल रहे हैं, क्योंकि आज जो थी वो 6 सितंबर थी. जब मैंने ये वीडियो शूट की थी उस वक्त 6 सितंबर थी, तो मैंने कहा उस हवाले से जो है वो कुछ अपने जो ईमान है उसको ताज़ा करते हैं. अब पता नहीं गार्डन की सफाई हो या घर की सफाई हो, मैं बग़ैर म्यूज़िक के जो है वो नहीं कर सकती. म्यूज़िक भी इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस कुछ चलना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है. अगर फ्राइडे का दिन है तो मैं उसको सूरह कहफ लगा लेती हूँ, तो इस तरह से जो है वो बस कुछ होना चाहिए. क्योंकि पता नहीं बच्चे चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि घर के अंदर जो है ना वो बहुत ही खामोशी हो गई है, तो मुझे बस एक शोर के लिए कुछ चलना चाहिए. वो कुछ भी हो सकता है, वो न्यूज़ भी हो सकती है, वो सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, वो कोई स्कॉलर का जो है वो कोई वीडियो हो सकती है जो पीछे बैकग्राउंड में चल रही होगी और मैं सुन रही होंगी. अभी मैं ये ग्रास कटी कर रही थी तो मुझे ख्याल आया कि यार कॉर्नर्स भी तो कितने बुरे हो रहे हैं, तो मैं क्यों ना कॉर्नर्स बना लूँ. तो अभी मैं अपनी दूसरी मशीन जो है वो निकालती हूँ. वैसे तो सीज़र से भी बन जाती है, मैंने सीज़र से भी जो है वो कॉर्नर्स बनाए हैं, लेकिन सीज़र थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है और जो मशीन होती है उससे जो है वो ज़रा जल्दी बन जाते हैं. ग्रास ट्रिमर जो है वो काफ़ी अच्छा टूल है, जैसे कि कॉर्नर्स बनाने के लिए. दूसरा ये कि कभी जो है वो ग्रास बड़ी हो जाती है, गर्मियों में ग्रास जल्दी बड़ी होती है, और अगर आप 3-4 हफ्ते ना करें लॉन मूवर ना चलाएं तो काफ़ी बड़ी हो जाती है. और मेरा जो लॉन मूवर है वो छोटा भी है, मीडियम साइज़ से गार्डन का है, तो वो इतनी अच्छी जब बड़ी हो जाती है तो नहीं अच्छी काटता. तो मैं पहले ट्रिम करती हूँ और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर लॉन मूवर चलाती हूँ. इस वक्त उसका थ्रेड जो है वो टूट गया है. ये थोड़ा सा ग्रास ट्रिमर्स के अंदर मसला है कि इनका जो थ्रेड अंदर लगा हुआ होता है वो टूट जाता है. तो अभी मैं वो थ्रेड जो है वो उसको सही करती हूँ और उसको बाहर निकालती हूँ, और उसके बाद दोबारा से जो है वो मैं ट्रिमिंग स्टार्ट करती हूँ. और सॉरी आपको जो है वो मेरे बजीज़ की आवाज़ आ रही होगी, इस वक्त मैं उनके पास बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वो काफ़ी बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो वो मुसलसल मुझे जवाब दे रहे हैं. एक
कॉर्नर बनाने से बहुत नीट एंड क्लीन लुक लगता है कि आपके जो हैं वो जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत वेल डिफाइंड से लगने लगते हैं। मैंने इस वक्त जो है वो गार्डन शूज़ भी नहीं पहने हुए हैं, एक नॉर्मल स्लीपर पहना हुआ है। तो आप प्लीज़ जब यूज़ करें इसे तो केयरफुल रहें, क्योंकि ये होता है, इसके अंदर वायर है लेकिन ये इतनी फोर्स से जो है वो घूमता है कि ये हर चीज़ काट देता है। तो आप प्लीज़ जब भी इसको यूज़ करें तो केयरफुल होके यूज़ करें, प्रॉपर गार्डन शूज़ पहने। अभी जो है वो मैंने बस सुस्ती के मारे जो है वो कॉर्नर शूज़ नहीं, वो सॉरी कॉर्नर शूज़ कह रही हूँ, मैंने शूज़ नहीं पहने, वरना मैं यूजली जो है वो शूज़ पहन के करती हूँ। तो आप प्लीज़ बी केयरफुल रहिएगा, मेरी तरह जो है वो केयरलेसली इसे काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैंने गार्डन में केयरलेसली काम किया और उसका नतीजा मैंने भुगता, क्योंकि मेरी आईज़ में आई डोंट नो कोई चीज़ चली गई थी जो कि मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ, आइदर ग्रास उड़ी या क्या हुआ। तो मेरी जो आईज़ का जो वाइट पार्ट है उसमें पूरा बबल बन गया था और वो काफ़ी तकलीफ़ दे रही थी और मुझे नज़र भी सही नहीं आ रहा था। इस वजह से मैंने अपनी वीडियो भी फ्राइडे को अपलोड नहीं की, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मेरा विजन क्लियर भी नहीं था और आँख काफ़ी जो है वो दुख रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि तुम कोई जो है वो ना टीवी देखोगी ना तुम जो है वो कोई गैजेट यूज़ करोगी, पहले अपनी आँख को सही कर लो। तो ये हुआ। अभी जो है ट्रिमर जो है वो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगता है, एक तो कॉर्नर्स बनाने के लिए, दूसरा ये अगर आपके पास इस तरह का जो है वो ट्रैम्पोलिन है तो ट्रैम्पोलिन हटाने के लिए अगर मेरे हस्बैंड होते तो मैं और वो मिलके इसको आराम से जो है वो खिसका लेते हैं, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है। तो मैं इस ट्रिमर से ही जहाँ जहाँ तक ट्रिमर जा सकता है तो मैं ग्रास को जो है वो ट्रिम करूँगी, इसके साथ साथ जो वीड्स हो रही हैं उसके आसपास वो वीड्स भी जो है वो उसी तरह साफ़ हो जाएंगी। ये बैग्स से जो हैं वो मुझे हटाने हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है वो स्टॉर्म एकदम से आ जाता है या तेज़ हवा चलने लगती है तो ये अपनी जगह से खिसक जाता है। तो इसलिए हम ये इस तरह के जो हैं वो बैग्स ये हमारे पास ऐसे ही रखे हुए थे, हमने कुछ गार्डन में काम करवाया था उसके बचे हुए थे, तो ये हम उसके ऊपर रख देते हैं ताकि स्टॉर्म की वजह से जो है वो हिले ना। और ये मेरी बकेट जो है वह भरने लगी है, क्योंकि हमारे गार्डन के में कोई भी बाहर के लिए एक्सेस मौजूद नहीं है। तो मैं इस तरह से जो है वो एक ये बकेट सी है इसको भर के और फिर मैं जो हूँ वो उठा के इसको पूरे घर से होती हुई ये बाहर जाती है, और बाहर मैंने जो है वो गार्डन का जो मेन बिन है जो कि काउंसिल बिन आपको प्रोवाइड करती है वो रखा हुआ है, उसमें जाके मैं इसको एम्प्टी कर दूंगी। तो ये मैं इसको अंदर पहुंचा चुकी हूँ। अब मैं इसको ले के पहुँचूँगी मेन गेट तक, और मेन गेट तक मैं पहुँच गई हूँ। और यहाँ मैंने रखा हुआ है अपना मेन जो है बिन है, अब मैं उसे उठा के जो है वो इसमें फिलअप कर दूँगी। ये मुझे थोड़ी सी जो है वो मुश्किल होती है, और यकीन करें जब गार्डन का काम ख़त्म होता है ना तो सिर्फ इसकी वजह से जो है वो आपके जो पूरे कंधे हैं वो दुखने लगते हैं, और दूसरा ये कि पूरा घर अंदर से भी गंदा हो जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ग्रास गिर जाती है या आपके कपड़ों में ग्रास लगी हुई होती है तो वो गिर जाती है। ये मेरी सेकेंड बकेट जो है वो तैयार हो गई है, और सेकंड बकेट तक पहुंचते पहुंचते मेरा आधा गार्डन जो है वो उसकी ग्रास कट हो चुकी। आप देख सकते हैं कि हाफ जो है वो हो गया है और हाफ अभी होना बाकी है। और मैं गार्डन में काम करूं और मिसहैप ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे करके जो है वो घूम रहा है, ऐसे सफाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद लगी हुई हूँ गर्ल पावर के जो है वो क्लीन हो जाए बस, और तकरीबन 2-3 हफ्ते की छुट्टी हो जाए। वैसे भी अब ऑटम आ गया है तो इतनी छुट्टी तो नहीं होगी, क्योंकि अब सब लीव जो हैं वो गार्डन में गिरे हुए होंगे, और जब आप गार्डन में आएंगे तो आप सफाई करने के लिए आएंगे, बैठने के लिए तो आएंगे नहीं। सो मैं टूटे हुए ब्रश के साथ करती हूँ कुछ, और फिर जो है वो मिलते हैं।
हर तरफ रोटेट हो रहा है, हर तरफ सफाई हो जाएगी, ये हर तरफ सफाई हो जाएगी, ये हर तरफ कचरा चला जाएगा हर कोने में। ये बैक साइड वाला हिस्सा तो फिर भी टूटे हुए ब्रश से साफ हो गया, अब ये फ्रंट का हिस्सा जो है वो सब रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब स्कूल जाने का टाइम हो गया है, मुझे जो है वो बाथ लेनी पड़ेगी, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे और फिर जो है वो स्कूल से लेना है और जो है वो ड्रॉप करना है बच्चे को, बेटे को ट्यूशन। तो ये मैं अभी इस ऐसे ही छोड़ रही हूँ, वैसे भी फ्रंट का है, जैसे ही आप इंटर होते हैं तो आपको गंदगी नज़र आती है तो आप जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं और आप कर लेंगे, लेकिन पीछे का क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सेस में नहीं है इसलिए मुझे पता है कि मैं उधर नहीं जाऊँगी, लेकिन यहाँ मेरी नज़र बहुत पड़ेगी इससे मैं उसको बाद में कर सकती हूँ। अच्छा ही हुआ मैंने अपना सारा सामान समेट दिया, क्योंकि अब बादल गरजने लगे हैं, वेदर चेंज होने लगा है, काले बादल आ रहे हैं यानी बारिश होने वाली है, तो मैं जल्दी से निकलती हूँ अपने बच्चों को लेने के लिए। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।